अभी हमें पता चला पंजाब में हमारा एक मंत्री अफसरों से पैसे मांग रहा था, हमारा हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का अफसरों से पैसे मांग रहा था। मीडिया को नहीं पता था, विपक्षी दलों को भी नहीं पता था। कोई और पार्टी होती तो क्या करती, उसको कहती थोड़ा बहुत पार्टी फंड में भी जमा करा, सारा खुद मत खा, यही कहते। कोई और मुख्यमंत्री होता तो क्या करता, कहता आधा मेरे को दे आधा खुद रख। आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं है। हमने उस मंत्री को बर्खास्त करके उसको सीधा जेल में कर दिया। हमने दिल्ली में हमारा एक मंत्री, एक राशन वाले से मेरा मंत्री पैसे मांग रहा था, 2015 की बात है। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई, किसी विपक्ष को नहीं पता था, किसी टीवी चैनल वाले को नहीं पता था। मैंने तुरंत अपने मंत्री को बर्खास्त करके उसको सीबीआई को सौंप दिया। इसीलिए कहते हैं आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब मेरा बेटा भी अगर कल को बदमाशी करेगा तो उसको बख्शूंगा नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं, किसी की भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनकी पार्टियों में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे क्या? इन लोगों की पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे? कितने भ्रष्टाचारी हैं आज तक इन्होंने एक को भी निकाला हो भ्रष्टाचार में तो बता दो। आज तक इन्होंने एक को भी जेल भेजा हो, क्यों नहीं भेजते? पैसा ऊपर तक जाता है भाई साहब, पार्टी के अंदर भी पैसा ऊपर तक जाता है कि नहीं जाता है? दिल्ली तक जाता है इनका पैसा। हिम्मत नहीं है इनको निकालने की, केवल आम आदमी पार्टी है जो आज देश में एक ईमानदार सरकार दे सकती है। मेरे को कोई पत्रकार कह रहा था कि ये बीजेपी वाले खट्टर साहब को हटा रहे हैं, कोई दूसरा सीएम ला रहे हैं, ऐसा है क्या? सुना आप लोगों ने भी? कह रहे खट्टर साहब को हटा के दूसरा सीएम ला रहे हैं। क्यों, खट्टर साहब भ्रष्टाचारी हैं क्या? खट्टर साहब काम नहीं करते क्या? मैं बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो 2024 का चुनाव खट्टर साहब के साथ लड़के दिखाओ तुम। कई बच्चे आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। 2020 के बाद से आज तक आर्मी की भर्ती नहीं खुली, आर्मी की भर्ती के पेपर नहीं करवाए इन्होंने। आज इस मंच के जरिए मैं केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, 1 लाख से ज्यादा आर्मी के अंदर खाली स्थान हो चुके, इनकी जल्दी से भर्तियां खोली जाए। बच्चे ओवरएज हो रहे हैं। मैंने सुना अभी भिवानी के अंदर एक यंग लड़का पवन, जो आर्मी में जाना चाहता था, भर्ती होना चाहता था फौज में, उसने खुदकुशी कर ली। हमारे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, तो ये आर्मी की भर्तियां क्यों नहीं खोल रहे? मैं प्रधानमंत्री जी को कल चिट्ठी भी लिखूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आर्मी की भर्तियां तुरंत खोली जाएं, ताकि हमारे बच्चे फौज के अंदर भर्ती हो सकें।